إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما पिछली मर्तबा ये बात बताई गई थी कि मुशरिकीन मक्का ने इस्लामी लश्कर को दावत मुबारकत दी। उतबा, शैबा, एक और का नाम क्या है? उतबा, शैबा, वलीद, और इन तीनों के मुकाबले में निकलने वाले तीन सहाबी कौन थे? हजरत अली, हमजा, उबैदा रजी अल्लाहु अन्हुम। तीनों ने कुफ्फारे मक्का के जो तीन लोग निकले उनको कत्ल कर डाला। इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इनके नामों की कमजोरी का असर इन तीनों पर पड़ा। दावत मुबारकत जब मक्की लश्कर ने दी तो मक्की लश्कर में तीन लोग थे। उतबा, उतबा ये इताब से है, सजा के माने में। शैबा बूढ़े के माने में है, कमजोर। वलीद बच्चे के माने में है। तो इनके नामों का असर भी इन तीनों अशखास पर पड़ गया, इसीलिए ये लहीम शहीम मजबूत दवाना होने के बावजूद भी तीनों सहाबा के सामने कमजोर पड़ गए। और इधर इनके मुकाबले में तीन लोग निकले, अली बुलंद, इनके नामों का असर अच्छा पड़ा। हमजा निडर, शेरदिल, उबैदा अल्लाह ताला का खास मखसूस बंदा, तो इनके नामों का इन पर असर पड़ा और ये बहादुर बन गए। उनके लहीम व शहीम होने के बावजूद भी दावत मुबारकत में इनका काम तमाम कर दिया। फिर बाद में फरिश्तों का नुजूल हुआ और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा, जवाबी हमले का हुक्म देते हुए, जंग की तरगीब देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा, शुद्दू, ऐ सहाबा कुफार के खिलाफ चढ़ दौड़ो, जंग करो, जज्बे जिहाद दिखलाओ। उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, जो आदमी भी इस जंग में डटकर मुकाबला करेगा, साबित कदम रहेगा और पीछे न हटेगा, लड़ेगा और अल्लाह ताला के रास्ते में मारा जाएगा, तो अल्लाह ताला उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभारते रहे, सहाबा इकराम दुश्मनान इस्लाम से लड़ते रहे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा सहाबा इकराम को जंग करने पर आमदा कर रहे थे, उबार रहे थे, तलकीन कर रहे थे, तरगीब दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताल पर उभारते हुए सहाबा इकराम से फरमाया, ऐ लोगो, ऐ सहाबा, उस जन्नत की तरफ उठो, बढ़ो, जिसकी वसअत जमीन व आसमान के बराबर है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जोश और जज्बा, जन्नत का नाम लेकर उसकी वसअत का हवाला देते हुए फरमाया, उभारा सहाबा इकराम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर उमैर बिन हुम्माम ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमैर, बहुत खूब, बहुत खूब, तुम क्यों कह रहे हो? तो उमैर ने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे तवक्को है, उम्मीद है कि मैं भी उसी जन्नत वालों में से हो जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हां उमैर, तुम भी जन्नत वालों में से हो। इसके बाद वो अपने तोशे दान से कुछ खजूर निकालकर खाने लगे। फिर बोले, अगर मैं इतनी देर तक जिंदा रहा कि अपनी ये खजूरें खा लूं तो ये तो लंबी जिंदगी है।
चुनांचे उनके पास जो खजूरें थी उन खजूरों को फेंक दिया और दुश्मनान इस्लाम की तरफ दौड़े, लपटे, पलटे और उनसे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जामए शहादत नोश फरमा लिया। क्यों जामए शहादत नोश फरमा लिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की वसअत का हवाला देते हुए सहाबा इकराम को उभारा कि तुम लड़ो, अल्लाह ताला तुम्हें जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। और सहाबा इकराम जन्नत के हुसूल के खातिर हर काम करने को तैयार रहा करते थे। इसी तरह मशहूर खातून अफरा के साहिबजादे औफ बिन हारिस ने दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अपने बंदे की किस बात से खुश होकर मुस्कुराता है? देखिए अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला के मुस्कुराने की ताल्लुक से औफ बिन हारिस सवाल कर रहे हैं, किस बात से अल्लाह ताला खुश होकर मुस्कुराता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे के इस बात से खुश होकर मुस्कुराता है कि बंदा खाली जिस्म बगैर हिफाजती हथियार पहने अपने दुश्मन के हाथ चले जाए और लड़ता हुआ शहीद हो जाए। औफ बिन हारिस अपने बदन से जिरा उतार कर फेंकी और तलवार लेकर दुश्मनान इस्लाम पर इस तरह टूट पड़े, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को बराबर जंग पर उभार रहे थे, जंग करने की तरगीब दे रहे थे ताकि मक्की लश्कर शिकस्त खाकर वापस चला जाए और मदनी लश्कर को कुव्वत हासिल हो जाए और मदनी लश्कर फतह हासिल कर सके। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हमले का हुक्म सादिर फरमाया सहाबा इकराम को, दुश्मन के हमलों की तेजी जा चुकी थी, दुश्मन का जोश जज्बा निहायत सर्द पड़ रहा था और इधर मुसलमानों का जोश जिहाद, जज्बे जिहाद शबाब पर था, परवान पर था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर सहाबा इकराम को फरमाया, शुद्दू, अब चढ़ दौड़ो और दुश्मनान इस्लाम की तरफ लपको, उनकी तरफ चले जाओ और वार करते हुए उनको दरहम बरहम कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही जोश दिलाया, जज्बा दिलाया, तो सहाबा कराम सफे दरहम बरहम करते और गर्दने काटते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके जोश और खरोश में मजीद इजाफा इसलिए हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस सहाबा कराम के साथ तेज तेज तशरीफ ला रहे हैं और पूरे यकीन के साथ और पूरे एतमाद के साथ सहाबा कराम को जज्बा जिहाद दिला रहे हैं, कह रहे हैं अन करीब ये लश्कर शिकस्त कर भाग जाएगा, पीठ पैर फेर कर भाग जाएगा, अल्लाह ताला अन करीब इस लश्कर को शिकस्त देंगे। इसलिए मुसलमान निहायत पुरजोश जज्बे जिहाद से लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। फतह मिलने की एक बड़ी वजह सहाबा इकराम के जोश जज्बे जिहाद के अलावा आसमान से अल्लाह ताला का फरिश्तों को नाजिल फरमाना और फरिश्तों का मोमिनों की मदद करना है। फरिश्ते आसमान से उतरे, मोमिनीन की मदद की है, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। उन मोमिनीन के लिए फरिश्ते नाजिल हुए जो दुश्मनान इस्लाम जिन मोमिनीन को मिटाने के लिए आए थे। चुनांचे इब्ने साद की रवायत में हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि जंग बदर के दिन आदमी का सर कट जाता मगर पता न चलता इसको मारने वाला कौन है। एक काफिर का मुशरिक का सर तन से जुदा हो जाता लेकिन पता नहीं चलता उसको मारने वाला कौन है। एक काफिर का हाथ कटकर अचानक गिर जाता लेकिन देखने वाला देखता उसे पता न चलता कि इसके हाथ पर किसने कारी जर्ब लगाई है और किस वजह से उसका हाथ कटकर नीचे गिर गया है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मुशरिक का ताकुब एक मुसलमान कर रहा था, अचानक मुशरिक के ऊपर कोड़े की मार पड़ने की आवाज आई और एक शहसवार की आवाज सुनाई पड़ी जो कह रहा था, हैजूम आगे बढ़, हैजूम आगे बढ़। मुसलमान ने मुशरिक को अपने आगे देखा, वो अचानक चित गिर गया, लपक कर देखा तो उसकी नाक पर चोट के निशान मौजूद थे, चेहरा फटा हुआ था और
उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाए जैसी अलामत हो गई थी और उसका ताल्लुक वैसा हो गया था। और ये सब का सब अल्लाह ताला की मदद थी। अबू दाऊद जमानी माजनी कहते हैं, मैं एक मुशरिक को मारने के लिए दौड़ रहा था, अचानक उसका सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही कटकर गिर गया। अल्लाह अकबर, ये किसकी मदद थी और ये मदद किसके जरिए से हो रही थी? फरिश्तों के जरिए से। अबू दाऊद माजनी कहते हैं, मैं एक मुशरिक को मारने के लिए दौड़ पड़ा, अभी मैं चाह रहा था उसको मारूं, तलवार उसके सर पर पहुंचने से पहले ही उसका सर उसके तन से जुदा होकर गिर गया। मैं समझ गया कि इसको मेरी बजाय किसी और ने कत्ल किया है। एक अंसारी हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कैद करके लाए तो हजरत अब्बास ने कहा कि वल्लाह मुझे इस शख्स ने, संसारी ने कैद नहीं किया, बल्कि मुझे तो एक बेबाल निहायत खूबसूरत इंसान जो एक घोड़े पर सवार था उसने मुझे कैद किया। अब मैं देख रहा हूं वो शख्स मुझे नजर नहीं आ रहा, कहां गया? उस अंसारी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी, हजरत अब्बास को तो मैंने कैद किया है और ये कह रहे हैं किसी बेबाल वाले आदमी, खूबसूरत आदमी ने कैद किया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खामोश रहो, तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ताला ने एक बुजुर्ग फरिश्ते से तुम्हारी मदद फरमाई, यानी अब्बास को तुमने भी कैद किया है लेकिन तुम्हारी मदद के लिए एक और बुजुर्ग फरिश्ता था। तो ये फरिश्तों की खास मदद मोमिनीन को जंग बदर में हासिल रही और इसी मदद को देखकर मैदान जंग से इबलीस राह फरार इख्तियार किया। आपके सामने इससे पहले एक चीज बयान की गई थी, जब मक्की लश्कर अबू सुफियान के काफिले को बचाने के लिए निकल रहा था तो कुरैश को डर हुआ कि हम अबू सुफियान के काफिले को बचाने जा रहे हैं, पीछे हमारे दुश्मन है कबाइल अबू बकर, अगर ये भी पीछे से हमें कत्ल करने के लिए लड़ने के लिए निकले, सामने दुश्मन पीछे दुश्मन और हम बीच में पिस जाएंगे और दुश्मनों के घेरे में आ जाएंगे। तो इबलीस उस वक्त किसकी शक्ल सूरत में आया था, किसी को याद है? आकर कहा था कि डरने की बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बनू कनाना के सरदार सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया था। जब निकला बराबर जंगे बदर तक इबलीस मक्की लश्कर के साथ मौजूद रहा, सुराका बिन मालिक के शक्लो सूरत में जुदा नहीं हुआ। लेकिन जब फरिश्तों की उसने मदद देखी तो परेशान हो गया, उल्टे पांव पलटकर भागने लगा, मगर हारिस बिन हिशाम ने उसे पकड़ लिया। वो समझ रहा था कि यकीनन ये वाकई सुराका है, लेकिन इबलीस ने हारिस के सीने पर ऐसा जोरदार घूंसा मारा, हारिस गिर गए और इबलीस निकलकर भाग चला गया। मुशकिन कहने लगे, सुराका तुम कहां जा रहे हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हमारा साथ दोगे, हमसे जुदा ना होगे, हमेशा हरदम हमारी मदद करोगे, अब कहां भाग जा रहे हो? दावा तो तुमने बड़े बड़े किए, अब कहां भाग जा रहे हो? सुराका ने कहा, मुझे अल्लाह ताला से डर लगता है। दरहकीकत इबलीस ने कहा, मुझे अल्लाह ताला से डर लगता है और अल्लाह ताला बड़ी सख्त सजा देने वाला है। ये कहकर इबलीस समंदर की तरफ भाग गया। और इधर थोड़ी देर बाद मुशरिकीन के लश्कर में शिकस्त के, नाकामी के, इस्तराब के आसार नमूदार हो गए। उनकी सफ़ें मुसलमानों के सख्त और ताबड़तोड़ हमलों से दरहम बरहम होने लगीं और मारिका जंग अपने अंजाम के करीब जा पहुंची। फिर मुशरिकीन के दरमियान भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने मारते, काटते, पकड़ते, भानते उनका पीछा किया, यहां तक कि उनको भरपूर शिकस्त हो गई, मक्की लश्कर को शिकस्त हो गई। लेकिन अबू जहल की अकड़ बाकी रही। मक्की लश्कर का कमांडर कौन था? मक्की लश्कर का कमांडर अबू जहल था। शिकस्त हो गई जंग बदर में, लेकिन इसके बावजूद भी अबू जहल अपने
जब अपनी सफाओं में इस्तेराब की कैफियत देखी, इब्तदाई अलामतें देखी, तो चाहा कि मदनी लश्कर के सैलाब के सामने डट जाए, खुद मुकाबला करे। चुनांचे उसने अपने लश्कर को ललकारता हुआ, तकब्बुर करता हुआ, घमंड करता हुआ, इतराता हुआ कहा कि तुम सुराका बिन मालिक के चले जाने की वजह से पस्त हिम्मत ना होना और फिर उतबा शैबा वलीद के कत्ल हो जाने की वजह से तुम परेशान ना होना, इसलिए कि उन्होंने जल्दबाजी की और सुराका बिन मालिक के चले जाने से भी पस्त हिम्मत ना होना, इसलिए कि इसने पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सास बार तैयार कर रखी थी। और इधर मुशरिकों को वरगला रहा है और कहने लगा, ला तो उज्जा की कसम, हम उस वक्त तक वापस ना होंगे यहां तक के हम मोमिनों को, मुसलमानों को रस्सियों से न जकड़ लें। देखो, तुम्हारा कोई आदमी भी मुसलमानों के आदमी को कत्ल न करे, बल्कि उन्हें पकड़े, गिरफ्तार कर ले, रस्सियों में जकड़ ले, फिर बाद में हम उनकी बुरी हरकतों का मजा उन्हें चकाएंगे, मगर कत्ल ना करे। लेकिन ये गुरूर बहुत जल्द ही खाक आलूद हो गया, खाक में मिल गया, क्योंकि चंद लम्हे बाद ही मुसलमानों के जवाबी हमले की सख्ती के सामने मुशरिकीन की सफ़ें फटना शुरू हो गईं। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने अतराफ अकनाफ मुशरिकीन का एक गौल लिए जमा हुआ था। इस गौल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की बाढ़ और नेजों का जंगल कायम कर रखा था, लेकिन इस्लामी हुजूम की आंधी ने इस बाढ़ को भी बिखेर कर रख दिया और इस जंगल को भी उखेड़ दिया। उसके बाद जाकर ये तागूत अकबर दिखाई पड़ा। कहना ये चाह रहे हैं कि अबू जहल अपने अतराफ अकनाफ मुशरिकीन का एक जबरदस्त गौल लिए जमा हुआ था, जहां पर तीर थे, तलवार थे, नेजे थे, जिसकी वजह से अबू जहल को कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन इस्लामी हुजूम की आंधी ने उनके उस मामले को तत्तर बत्तर कर दिया, उनके गौल को बिखेर दिया। उसके बाद जाकर अबू जहल नजर आने लगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का बयान है कि मैं जंगे बदर के मौके पर सफ के अंदर था, अचानक मुड़कर क्या देखता हूं, दो बच्चे, एक का नाम मुआद है, एक का नाम मुआविद है, मेरे पास आए। उनमें से एक ने कहा, चाचा जान, आप हमें अबू जहल का पता बता दीजिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मैंने पूछा, मेरे बच्चे, तुम उसको लेकर क्या करोगे? उसने कहा, मैंने सुना है वो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, सब वो शतम करता है, मेरे नबी को बुरा भला कहता है, मैं उसकी जान लेने के लिए आज तैयार बैठा हूं। एक और फिर नौजवान बच्चा उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, चाचा जान मुझे बताइए, मुआविज कह रहे हैं, चाचा जान मुझे बताइए, अबू जहल कौन है? मैंने सुना है वो मेरे नबी को गालियां देता है, गालियां बकता है, सब वो शतम करता है। चंद लम्हों के बाद जब अबू जहल को अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मैंने कहा उन दोनों बच्चों से, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार, देखो वहां नजर आ रहा है। उनका बयान है कि जैसे ही ये बात उन दोनों बच्चों ने सुनी, अपनी तलवारें ली, पकड़ी, झपट पड़े और उसे मारकर कत्ल कर दिया। फिर पलट कर आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ तुम दोनों बच्चों में से अबू जहल को किसने कत्ल किया? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा कि अपनी तलवारें दिखाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलवारें देखकर तुम दोनों ने अबू जहल को कत्ल किया है। यह जज्बा था, ये जोश और खुरोश था, ये जज्बा जिहाद था सहाबा इकराम में, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सबके सब मुशरिकी ने मक्का पर हमला कर बैठे। यहां तक कि अबू जहल, जो इस लश्कर का कमांडर था, जनरल था, उसको भी दो मासूम बच्चों ने कत्ल किया। इब्ने इसहाक का बयान है कि माज रजी अल्लाह ताला उन्होंने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सुना, वो कह रहे थे, मोमिनीन का कोई भी आदमी अबू जहल तक रसाई न कर पाए, आने ना पाए। जब मैंने ये बात सुनी तो अबू जहल के सिमत ही बढ़ा और मैं मौके की घात में रहा, मौके की तलाश में रहा कि कब मौका मिले और कब मैं वार करूं अबू जहल पर। जैसे ही मुझे मुनासिब मौका मिला, मैंने ऐसी जबरदस्त वार लगाई कि उसका पांव निष्पिंडली से उड़ गया। अल्लाह अकबर, छोटा बच्चा और उसके मार में कितना शिद्दत है, देखिए।
छोटे से सहाबी हैं, उनकी मार की ताकत का अंदाजा लगाइए कि पांव निस्फ पिंडली से उड़ गया। वही कहते हैं, इधर मैं अबू जहल पर वार किया और उधर तरफ अबू जहल के बेटे इकरमा ने मुझ पर वार किया और ऐसा जबरदस्त वार किया मेरा बाजू चमड़े से लटकने लगा और जंग के मौके पर मुझे बहुत ही खलल पेश आने लगी, तो मैं अपने बाजू को अपने पांव के नीचे रखकर उखाड़ दिया और फिर लड़ता रहा। फिर उसके बाद अबू जहल के पास मुआविज आए, वो जख्मी था अबू जहल, और उन्होंने भी ऐसी जरब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ सांसों की आमद और रफ्त बाकी थी। फिर उसके बाद मुआविज लड़ते लड़ते खुद शहीद हो गए। जब मारिका खत्म हो गया, जंग खत्म हो गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझे अबू जहल का मंजर बतलाए, अबू जहल का अंजाम क्या हुआ, मुझे कौन है बताने वाला। इस बात पर सहाबा इकराम अबू जहल की तलाश में बिखर गए। जंग का मौका होता है, हर जगह लाशें बिगड़ी पड़ी है, हर जगह माल गनीमत पड़ा हुआ है, हर जगह लोग जख्मी पड़े हैं, ऐसे मौके पर अबू जहल को तलाश करना भी जरूरत था, इसीलिए जरूरी था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कौन है जो अबू जहल का हशर मुझे दिखा सके, उसका अंजाम क्या हुआ। सहाबा कराम बिखर गए अबू जहल को तलाश करने के लिए। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने उसे इस हालत में पाया कि अभी सांसों की आमद और रफ्त बाकी थी। उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ी, गर्दन पर पांव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिरकार अल्लाह ने तुझे जलील और रुस्वा किया ना। जवाब में अबू जहल ने कहा, मुझे काहे को रुस्वा किया। जिस शख्स को तुम कत्ल करने जा रहे हो या जिस शख्स का तुम लोगों ने कत्ल किया है, ये तो बताओ इससे भी बुलंद पाया कोई आदमी मौजूद है मक्का में, अरब में। अल्लाह अकबर, इसकी घमंडी अभी भी खत्म नहीं हुई, इसका तकब्बुर अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसका किब्र, इसका फख्र, इसका इतराना अभी भी खत्म नहीं हुआ। मौत करीब है, इसके बावजूद भी वो अपनी बड़ाई बयान करने पर तुला हुआ कह रहा है, क्या मेरे से ज्यादा कोई अच्छा आदमी मौजूद है जिसको तुम कत्ल कर रहे हो। फिर बोला, काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। उसके बाद कहने लगा, अच्छा मुझे यह बताओ, किसे, अब्दुल्ला बिन मसूद से कह रहा है, मुझे यह बताओ आज फतह किसको नसीब हुई। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह हुई। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से, जो उसकी गर्दन पर पांव रख चुके थे, कहने लगा, ओ बकरी के चरवाए, तू बड़ी ऊंची जगह पर चढ़ गया है। आपके सामने बात बता दूं, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला मक्के में बकरा चराया करते थे, इसलिए उसने कहा, ओ बकरी के चरवाहे, बड़ी ऊंची और खतरनाक चीज पर चढ़ गया है। इस गुफ्तगु के बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला उन्होंने उसका सर काट लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर किया और फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये रहा अल्लाह का दुश्मन अबू जहल का सर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर तीन बार फरमाया, वाकई उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। उसके बाद आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदह व नसरा अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। अल्लाहु अकबर, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे गिरोहों को शिकस्त दी। फिर फरमाया, अच्छा चलो मुझे अबू जहल की लाश दिखाओ। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाकर लाश दिखाई, आपने फरमाया, ये अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है, अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है, अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है। तो मोहतरम हजरात, इस तरह जंग का खात्मा हुआ और इस तरह मुशरिकीन कुफारे मक्का को शिकस्त हुई और मुसलमानों को जंग बदर में फतह हुई। फिर इंशाल्लाह उसके बाद कुछ और वजाहती चीज़ें हैं, आइंदा दर्स में उसकी वजाहत की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश नज़र रखकर कुछ दुरूस व इबर हासिल करके उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।